देखो आदित्य एलवन, ठीक है, इसने देखना आदित्य एलवन जो है अभी क्या हुआ था कि जो सूर्य की सबसे बाहर की परत होती है कोरोना, ठीक है, कोरोना और क्रोमोस्फेयर की स्टडी करने के लिए क्या बनाया गया था, आदित्य एलवन को बनाया गया था। तो ये जो आदित्य एलवन है किसकी स्टडी करने वाला है, ये सूर्य की सबसे बाहरी परत जो है कोरोना और क्रोमोस्फेयर इसकी क्या करने वाला है, स्टडी करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे को दूसरा इसका जो पॉइंट है वो अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान की सूचनाओं का क्या करेगा, संग्रह करेगा। तो देखो पहली चीज क्या करेगा, सन की जो सबसे बाहर की परत है उसकी स्टडी करेगा, क्योंकि देखो सन जो है इसकी कोर तक पहुंचना क्या है, एकदम मुश्किल है, क्योंकि सन की कोर का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ठीक है, सन का टेम्परेचर कितना होगा, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है सन का टेम्परेचर होता है। तो अगर 6000 डिग्री सेल्सियस सन का टेम्परेचर है तो कोई भी मशीन या फिर कोई भी ऐसे सैटेलाइट वगैरह, ठीक है, जो भी है, इसके अंदर जाने तो दूर की बात, इसके नजदीक जाने में भी उसको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे वो क्या करेगा, इतने हाई टेम्परेचर पे एफर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या होता है कि जो सन की सबसे बाहर की परत है ये, ठीक है, परतों से बना होगा ना, तो सन की जो सबसे बाहर की परत है कोरोना या फिर इसको क्या बोलेंगे, क्रोमोस्फियर इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये सन की सबसे बाहर की परत है इसकी स्टडी की जाती है। तो इसकी स्टडी करने के लिए क्या बनाया गया था, आदित्य एलवन बनाया गया था। तो इस पे ध्यान देना, ये 2019 2020 तक इसको क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या है आप लोगों का कि इसको तैयार किसने किया है, इसरो ने तैयार किया है। तो यहाँ पे कोई एक चीज ध्यान देना कि स्पेस से रिलेटेड अगर कोई भी चीज होगी तो उसको कौन तैयार करने वाला है, इसरो तैयार करने वाला है। और अगर हथियारों से रिलेटेड कोई चीज है, ठीक है, कोई हथियार है, कोई टैंक वगैरह है, तो उसको कौन तैयार करने वाला है, डीआरडीओ तैयार करने वाला है। तो इन दो पॉइंट्स में कंफ्यूज मत होना, इसमें स्पेस से रिलेटेड, अंतरिक्ष से रिलेटेड कोई भी चीज होगी तो कौन तैयार करेगा, इसरो तैयार करेगा। और अगर हथियारों से रिलेटेड कोई भी चीज है तो कौन तैयार करेगा, रक्षा से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो उसको डीआरडीओ तैयार करने वाला है, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, कोरोना और क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करेगा, सूर्य की जो सबसे बाहर की परत होती है। दूसरा देख ये क्या करेगा कि अंतरिक्ष में जो मौसम है उनकी सूचनाओं को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, ठीक है, मौसम जो पूर्वानुमान है उसको कलेक्ट करके उसका डाटा क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। हाँ ये मतलब क्या बोलते हैं कि एक तरीके से सैटेलाइट समझ सकते हो, ठीक है। तो देखो दूसरा क्या है कि ग्रहों के मध्य उत्पन्न होने वाले सौर तूफान का अध्ययन करेगा। होता क्या है कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के बीच में, प्लैनेट्स के बीच क्या होता है, ठीक है, अंतरिक्ष में सौर तूफान उठते हैं, जैसे सन है तो सन में भी हमेशा क्या होता है, सौर तूफान उठते रहते हैं, ठीक है। तो जो ग्रहों में जो सौर तूफान उठते हैं उन तूफानों को ये क्या करने वाला है, अध्ययन करने वाला है, ठीक। तो अब किस तरीके से वो तूफान उठते हैं उनको अभी डिफाइन कर दूंगा। अब देखो दूसरा इसको कहाँ पे को स्थापित किया जाएगा, इसको लैग्रेंज पॉइंट पे स्थापित किया जाएगा। तो अब समझ, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है इसको मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। तो इसको कहाँ पे को स्थापित किया जाने वाला है, लैग्रेंज पॉइंट पे स्थापित किया जाने वाला है। और 2018 सॉरी 2019 और 2020 तक इसके लॉन्च होने की क्या है, संभावना है। तो आदित्य एलवन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है वो ये पॉइंट्स हैं, तो इनको दिमाग में रखना, ठीक है। आदित्य एलवन है क्या, ठीक है, ये एक तरीके की सैटेलाइट है जो किसका अध्ययन करने वाली है, ठीक है, ये सन की जो सबसे बाहर की परत होती है कोरोना और क्रोमोस्फेयर उसका अध्ययन करने वाला है, ठीक है। और अंतरिक्ष में मौसम का पहले से अनुमान लगा के क्या करेगा, उसकी सूचनाओं को क्या करेगा, इकट्ठा करेगा। दूसरा ग्रहों के मध्य जो सौर तूफान उत्पन्न होते हैं, सौर तूफान किस तरीके से उत्पन्न होता है ये मैं अभी डिफाइन कर दूंगा। तो जो सौर तूफान उत्पन्न होते हैं उन तूफानों का क्या करने वाला है, अध्ययन करने वाला है। और कहाँ पे को इसको स्थापित किया जाने वाला है, लैग्रेंज पॉइंट पे इसको स्थापित किया जाने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको स्थापित कहाँ पे को किया जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट पे इसको स्थापित किया जाएगा। इसरो ने इसको तैयार कर रखा है और कब तक इसको लॉन्च किया जाएगा, 2019 2020 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे को बात आती है लैग्रेंज पॉइंट की, लैग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो उसको एक बार समझने की कोशिश करना। देखो जैसे सपोज करो कि ये कोई एक प्लेनेट है, ठीक है,
आगे ये है कोई दूसरा प्लेनेट है, ये दो प्लेनेट हैं ठीक हो, ए और बी क्या हो गए, दो प्लेनेट हो गए, या फिर पी वन पी टू करके लिख लेता हूँ। तो अब देखो होगा क्या, जैसे अर्थ है ना, हमारी पृथ्वी है, तो अर्थ का क्या होता है, अपने एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है ठीक है, वो क्षेत्र जिसके अंदर अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेगी दूसरी चीजों पे। अगर मैं किसी चीज को इस तरीके से उछाल रहा हूं तो नीचे क्यों आ रही है, क्योंकि अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो यानी कि अर्थ क्या कर रही है, किसी भी चीज पे अपनी तरफ क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बोल लेते हैं, ग्रेविटी बोल लेते हैं ठीक है। तो वैसे ही अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या करेगी, अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, जिसको क्या बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। तो होता क्या है, कोई भी दो द्रव्यमान वाले पिंड अगर हैं तो वो एक दूसरे पे हमेशा क्या करते हैं, आकर्षण का बल लगाते हैं। कोई भी दो मास है, जैसे दो मार्कर है, तो ये दो मार्कर भी आपस में क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे होंगे, ये आपस में एक दूसरे को क्या करने की कोशिश करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे ठीक है। तो अब ये इनका जो मास है, इनका जो द्रव्यमान है, ये इतना कम होता है कि वो जो फोर्स होगा, जिस फोर्स से ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, वो फोर्स ऑलमोस्ट क्या होगा, नेगलाइजेबल होगा, ना के बराबर होगा, क्योंकि इनका जो मास है, जो द्रव्यमान है, बहुत कम है। अब जैसे पृथ्वी है, अर्थ है, तो इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, बहुत ज्यादा है ठीक है। तो ये दूसरे प्लैनेट्स पे या फिर दूसरे पिंडों पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी, तो वो नेग्लेजेबल नहीं होगा ठीक हो गया, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, कि डिस्टेंस कितनी है। तो यहाँ पे को होता क्या है, जो दो प्लैनेट हैं, ये दो प्लैनेट क्या कर रहे होंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे होंगे दूसरी चीजों पे, इसका भी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, ये भी क्या कर रहा होगा, कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा। अब देखो जैसे सपोज करो कि मैं एक पॉइंट ले लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे को क्या किया, एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई पिंड इस पॉइंट पे होगा, तो ये वाला प्लेनेट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये वाला प्लेनेट क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो यहां पे को होगा क्या कि ये वाले प्लेनेट ने क्या किया, अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, क्योंकि मैंने बताया था कि हर कोई प्लेनेट क्या करेगा, कोई भी मास है वो क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा ठीक है, यानी कि आकर्षण का बल लगाएगा। तो ये वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और ये वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अब ये कहां को जाएगा, जो ज्यादा फोर्स लगाएगा, ऐसा ही तो होगा, अगर ये मार्कर है, मैं इसको खींचने की कोशिश कर रहा हूं दोनों तरफ से, तो ये कहां को जाएगा, जहां को ज्यादा फोर्स लगेगा वहीं को तो जाएगा। तो यानी कि क्या होगा, इस पॉइंट पे इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ठीक है, रिजल्टेंट मतलब परिणामी बल लगेगा ठीक है, इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स यहां पे को लगेगा। अब अगर क्या होगा कि इस पॉइंट पे कोई दूसरा प्लेनेट क्या कर रहा है, इस पॉइंट से होके घूम रहा है ठीक है, इस तरीके से कुछ रोटेशन कर रहा है, बात समझ में आई, कि ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये भी क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा, और ये भी क्या करेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगा। अब सपोज करो कि इस पॉइंट पे क्या है, कि कोई दूसरा प्लेनेट क्या कर रहा है, इस तरीके से घूम रहा है, या फिर इस तरीके से घूम रहा है, कैसे भी घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है ठीक है। तो अब होगा क्या, देखो जो प्लेनेट यहां पर को रोटेशन कर रहा होगा, इस पॉइंट से होके गुजर रहा होगा, उस पे क्या लगेगा, कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा ठीक है। तो देखो वो फोर्स अगर इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा, तो अभी फिलहाल ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह इतना समझने की जरूरत है नहीं ठीक है, किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो ध्यान देना, ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा प्लेनेट के थ्रू क्या होता है, एक रिजल्टेंट फोर्स लगाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ये किसके बराबर होगा, इस पॉइंट से होके कोई अब तीसरा प्लेनेट गुजर रहा है, उस प्लेनेट पे लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट बोला जाएगा। डेफिनेशन जो इसकी डेफिनेशन है थोड़ी सी मतलब टिपिकल है ठीक है, लेंथी डेफिनेशन है, तो समझने की कोशिश करना। एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे क्या होगा,
दो या दो से ज्यादा प्लेनेट का क्या लग रहा होगा, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा, ठीक हो गया, रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। और साथ साथ ही क्या हो रहा होगा, उस प्लेनेट से सॉरी उस पॉइंट से होके अगर कोई तीसरा प्लेनेट या फिर कोई तीसरा पिंड अगर गुजर रहा है तो उस पे लगने वाला फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होना चाहिए। अब बात आई कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ नहीं होता है, किसी भी चीज में देखो कोई भी चीज अगर किसी चीज के चारों तरफ घूमती है, जैसे सपोज करोगी ये सन है, सन के चारों तरफ क्या हो रही है, अर्थ घूम रही है, ठीक है। तो अब देखो अर्थ अगर सन के चारों ओर घूमेगी तो होगा क्या, इसको गोल घूमने के लिए एक फोर्स की जरूरत होगी, जिसको क्या बोला जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस प्लेनेट पे हमेशा कहाँ की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ लगेगा, ये जहां पे वो सेंटर होगा सेंटर की तरफ इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। अब इस पे जब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को गोल गोल घूमने के लिए, किसी के चारों तरफ घूमने के लिए किसकी जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। जैसे एग्जाम्पल इसी तरीके से समझ सकते हो कि एक पतली सी कोई रस्सी ली, उसमें आप लोगों ने एक पत्थर बांधा, अब पत्थर को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो आपके हाथ में फोर्स कहाँ की तरफ लगने वाला है, हाथ में खिंचाव पैदा होगा ना, तो हाथ में बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, लेकिन उस पत्थर पे कहाँ को फोर्स लगेगा, जब ऐसे घुमा रहे होंगे तो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स हुआ, और बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुआ। तो ये समझ में आया ना लैग्रेंज पॉइंट। बट देखो इतना सब कुछ डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ क्या याद रखना है कि ये सन की सबसे बाहर की जो परत है कोरोना और क्रोमोस्फियर उसका अध्ययन करेगा, साथ साथ ही अंतरिक्ष का जो मौसम है उसका डाटा इकट्ठा करेगा, और ग्रहों के मध्य उत्पन्न होने वाला जो सौर तूफान है उसके बारे में स्टडी करेगा। लैग्रेंज पॉइंट पे इसको स्थापित किया जाएगा, और लैग्रेंज पॉइंट में बता चुका हूं क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पे कोई दो या दो से ज्यादा प्लेनेट का क्या लग रहा हो, रिजल्टेंट फोर्स लग रहा हो, और उस पॉइंट से अगर कोई तीसरा प्लेनेट होके गुजर रहा है तो उसपे लगने वाला फोर्स कितना हो, उसपे मतलब ये लैग्रेंज सॉरी ग्रेविटेशनल, उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर हो, ठीक है। तो उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, लैग्रेंज पॉइंट बोला जाएगा। बाकी इसको 2019-20 तक लॉन्च करना है, और इसको किसने तैयार कर रखा है, इसरो ने तैयार कर रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, आदित्य L1 है, तो इससे हो सकता है क्वेश्चन वगैरह बन जाए, ठीक। तो इसको इसी तरीके से उतार लेना।